हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में या जन्म लग्न पत्रिका में अगर पांचवें भाव में स्थित है तो वो आपको जीवन में किस तरह के फल देगा। बृहस्पति ज्योतिष में एक चीज़ आप याद रखिए, 1 5 9 माना कुंडली की त्रिकोण भाव है। बृहस्पति इन भाव में किसी की भी कुंडली में स्थित है तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देता है। सबसे बेस्ट रिजल्ट बृहस्पति इन्हीं 3 भावों में देता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो मैं जो फलादेश कर रहा हूँ ये सामान्य फलादेश है, मैं किसी की कुंडली विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। अगला, आप पंचम भाव को समझें, बृहस्पति को समझें, फिर आप सही समझ पाएंगे किस तरह के फल आपको मिलेंगे। आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। अब दोस्तों, कालपुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो 5वां भाव सिंह राशि का है। सिंह का स्वामी बनता है सूर्य। अब सूर्य बृहस्पति का मित्र है और 5वां भाव सूर्य का भी कारकत्व है, यहाँ का कारक तत्व बृहस्पति के पास भी है, क्योंकि बृहस्पति संतान का ग्रह है, शिक्षा का ग्रह है और 5वें भाव से शिक्षा देखी जाती है, संतान देखी जाती है, इसलिए बृहस्पति का यहाँ पे कारक तत्व आ जाता है। और दोनों ही अग्नि तत्व हैं, दोनों ही मित्र हैं और सूर्य ग्रहों का राजा है, बृहस्पति देवताओं का गुरु है, सोने पे सुहागा है। तो पहले आप 5वें भाव को समझें। 5वां भाव मैंने बताया ना, ये सूर्य का भाव है और बृहस्पति दोनों इसके स्वामी बनते हैं। अब 5वें भाव को हम सामान्य हम यहाँ से देखते हैं जीवन में आपकी शिक्षा, जहाँ आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, या आप ये कह दीजिए कि ग्रेजुएशन आपकी जब कंप्लीट हो जाती है तब हम आप यहाँ पर आते हैं। और 9वें भाव से जब हम एजुकेशन देखते हैं तो वो होती है हायर एजुकेशन, जब आप रिसर्च वगैरह करते हैं, आप PhD करते हैं, आप मास्टर्स करते हैं। तो जो 5वां भाव है वो आपकी ग्रेजुएशन तक का भाव है, जहाँ पे आपने सब्जेक्ट चुन लिए 12th के बाद। और जो ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन 5वें से और हायर हम देखते हैं 9th भाव से। तो शिक्षा का भाव है, जीवन में आप कितनी शिक्षा हासिल करेंगे और उसमें कोई रुकावट है या नहीं है, या आराम से पूरी करेंगे और जीवन में उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। संतान का भाव है, संतान होगी या नहीं होगी, लेट होगी, पुत्र होगा, पुत्री होगी, पहले संतान जो होगी उसका लिंक क्या होगा, यहीं से पता चलेगा। संतान आपके लिए वो जीवन में आपको लाभ देगी, आपकी सेवा करेगी या नहीं, ये भी यहीं से देखा जाता है। इसके साथ ये धर्म पुण्य का भी है, पूर्व पुण्य का भी है, आपने जो पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं ये उनको भी दर्शाता है। 5वें भाव का मजबूत होना ये तय करता है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ शुभ कर्म किए हैं। इसके साथ ये आपके अफेयर्स भी दिखाता है, आपके प्रेम संबंध या प्रणय संबंध भी दिखाता है। अगर 5वां भाव शुभ है तो जीवन में जो आपके संबंध बनेंगे उनसे आपको जीवन में लाभ मिलेगा और आगे चल के वो रिलेशन आपके कन्वर्ट भी होंगे और जीवन में हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसके साथ ये स्टॉक मार्केट का भी है, सट्टा जुआ जो होता है, स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, इनके लिए भी इस भाव को देखा जाता है। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य की बात करें तो 5वां भाव ही आपके डाइजेस्ट सिस्टम को देखता है, आपके पेट के ऊपर आता है। तो यहाँ पे आपके पेट संबंधी रोग जो भी है, फीमेल को स्पेशली यूट्रस भी इसी में देखा जाता है। और बाकी आपका जो भी है इंटेस्टाइन्स है, या आप ये कहें आपका मेटाबॉलिज्म अगर है, तो वो सब हम यहीं से देखते हैं। आपके आपका लीवर है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, वो सब हम यहीं से देखते हैं। मतलब पूरा जो डाइजेशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा हम स्टमक है वो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो स्टमक ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस में रहता है। अब दोस्तों, इसके साथ साथ 5वां भाव जो है ये आपके धर्म पुण्य संतान शिक्षा ये हो गई, अफेयर हो गए, आपके स्वास्थ्य आपका हो गया। अब इसके साथ ही एक चीज़ और है, ये आपको जीवन में अभिलाषाएं देता है, कुछ करने की इच्छा पैदा करता है कि कुछ अचीव किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए, ऐसी चीज़ भी ये 5वां भाव ही देता है। अब दोस्तों समझ लो बृहस्पति का क्या रोल है, बृहस्पति क्या देता है आपको जीवन में।
बृहस्पति को नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह माना जाता है जो आदमी को सही मार्ग पर ले जाता है, सात्विक बुद्धि देता है और ज्ञान बुद्धि विवेक समझ ये पैदा करता है। भले बुरे की पहचान, औरों की भलाई, जिम्मेदारी लेकर काम करना, सामाजिक कार्यकर्ता होना और दूसरे के दुख में शामिल होना और दूसरों की तकलीफों को अपनी तकलीफ समझ के आगे आना, ये बृहस्पति का काम है। समाज को, व्यक्तियों को मार्गदर्शन देना। तो जो भी मार्गदर्शन के जो भी कार्य क्षेत्र हैं या प्रोफेशन है, वो चाहे टीचिंग का है, कंसल्टेंसी का है, राइटिंग का है, एडिटिंग का है, पब्लिशिंग का है, पब्लिक स्पीकिंग का है, इन सब में बृहस्पति ही है। चाहे फिलोसफी है आपकी, बैंकिंग है, फाइनेंस है, ये सब बृहस्पति के अधीन है। बृहस्पति आपको कफ के रोग देता है, फेफड़ों के रोग देता है, श्वास, दमाग, कष्ट, मोटापा, लीवर की प्रॉब्लम, स्प्लीन की, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम, आंतों में दिक्कत या स्टोमक अपसेट रहना, ये प्रॉब्लम आपको बृहस्पति देता है। थाई से रिलेटेड प्रॉब्लम या आपका मोटापा बढ़ जाना या शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स भी बृहस्पति ही देता है। बृहस्पति गुरुओं को दर्शाता है, संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, ये पादरी, पुजारी या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग, उन सभी को या उनसे जुड़ी हुई जो भी क्रियाकलाप है उन सब को बृहस्पति दर्शाता है। तो जब बृहस्पति यहाँ पे आता है पंचम भाव में तो बहुत ही शुभ क्यों माना जाता है? पंचम भाव में बृहस्पति बैठकर आपको अच्छी संतान देता है, अच्छी शिक्षा देता है, आपकी बुद्धि बहुत सही काम करती है, सही निर्णय लेते हैं आपको, कि इंटेलिजेंस का हाउस भी है पांचों घर, तो आपकी इंटेलिजेंस बहुत सही काम करती है, आपके संबंध अच्छे होते हैं, स्टॉक मार्केट से या लॉटरी सट्टे से आपको पैसा मिलता है, आपका पेट संबंधी रोगों से आप बचे रहते हैं। और जब बृहस्पति अपनी पांचवी दृष्टि डालेगा तो वो यहाँ पे डालेगा 9वें भाव पर, जो कि खुद बृहस्पति का भाव है और भाग्य का भाव है। तो भाग्य से भी आपको प्रबल समर्थन मिलता है, यहाँ पे पिताजी से सहयोग मिलता है, अपने पूर्वजों से सहयोग मिलता है, पवित्र आपके जो सॉरी पितृ होते हैं उनका सहयोग मिलता है, विदेशों से लाभ कमाते हैं, कम प्रयास में ज़्यादा सफलता मिलती है, धर्म कर्म अध्यात्म सत्संग साधना ईश्वर भक्ति इनमें आपकी रुचि बनी रहती है। और जब बृहस्पति पांचवी भाव में बैठकर सातवीं दृष्टि से देखता है तो 11वें भाव को देखता है, वो फिर बृहस्पति का भाव है और जीवन में लाभ का भाव है। तो जीवन में जो आप कर्म कर रहे हैं जीवन में उनका आपको बेहतरीन फल मिलेगा और हर एक काम में आपका लाभ, आपकी उपलब्धि लोगों को नजर आएगी, आपको सम्मान और पुरस्कार दोनों मिलेंगे, आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा और सामाजिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से हर स्तर पर आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेंगे। जब बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि, बृहस्पति की दो विशेष दृष्टियां हैं 5 और 9, जब बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि डालता है तो वो आएगी आपके लगन भाव पर। लगन भाव माना आप खुद हो, आप स्वयं हो, आपके व्यक्तित्व में एक शांति झलकेगी, एक सात्विकता झलकेगी, एक समझदार इंसान की छवि रहेगी, आपका सोचना, बोलना, बैठना, लोगों से व्यवहार सब दायरे में रहेगा और लोग आपको सराहेंगे, आपकी समझ बुद्धि सही काम करेगी, सही निर्णय लेंगे, जीवन में खूब इज्जत कमाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे। जीवन में ये मान के चलिए अगर बृहस्पति यहाँ पे सही है, उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो आप ये सुन लीजिए आप जीते जी स्वर्ग में हो, इससे ज़्यादा क्या शुभ होगा। अब बात करते हैं अगर बृहस्पति यहाँ पे अशुभ होता है, अशुभ का मतलब ये हुआ कि वो अशुभ राशि में है या नक्षत्र में है या युति में है या किसी की दृष्टि में है या षडबल में कमज़ोर है या डिग्री में कमज़ोर है तो या नीच है, ऐसी स्थिति में तब आपको बृहस्पति अशुभ फल दे सकता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? उस स्थिति में ये है, आपको भगवान विष्णु की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्र जप करें और बृहस्पति के मंत्र जप करें, गायत्री मंत्र का भी जप करें आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, पीली चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें या ऑरेंज कलर के कपड़े या पीले रंग के कपड़े ज़्यादा पहने, पीले रंग की स्वीट्स ज़्यादा खाएँ, ये डोनेशन ना करें।
आप पीला पुखराज पहन सकते हैं, रूबी भी पहन सकते हैं, रुद्राक्ष भी या यंत्र भी धारण कर सकते हैं, बशर्ते आप इससे पहले ज्योतिष से परामर्श अवश्य कर लेना। केले के पेड़ की पूजा जरूर करें, पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें, वृद्ध लोगों को खाना खिलाएं, उनकी सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें, गुरुजनों से भी आशीर्वाद लें, ये बहुत जरूरी। पिताजी की सेवा करें, पिताजी का आशीर्वाद लें, पिताजी की देखभाल करें, इससे आपका पंचम भाव जो है वो मजबूत हो जाएगा, बृहस्पति भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।